हेलो स्टूडेंट्स, आज यहां पर हम मध्य प्रदेश के द्वारा एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा एसीएफ रेंजर उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जिसमें जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इससे रिलेटेड टॉपिक पर आज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखने से अपने को समझ में आता है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हमसे 90% क्वेश्चन बनना चाहिए। तो 90% क्वेश्चन को बनाने के लिए जब तक हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर नहीं होगा, तब तक हम उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम यहां पर बायोडायवर्सिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बायोडायवर्सिटी है क्या, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। ये हम बोलते हैं आपका क्या, ये जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता। ये हो गया आपका बायोडायवर्सिटी, ये हो गया आपका बायोडायवर्सिटी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता है क्या। बहुत सिंपल फॉर्म में देखिए, जो आपके सामने लिखा है वही है। ये देखिए, जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के विविध रूप, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ये जीवन के विविध रूप है क्या, तो आप जो देख रहे हैं कि भाई एक आप पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, एक देख रहे हैं आप मैक्रो ऑर्गेनिज्म एलिफेंट ब्लू व्हेल, कोई आपको दिखाई दे रहा है मरुस्थली क्षेत्र में सर्वाइव कर रहा है, कोई आपका महासागरीय क्षेत्र में सर्वाइव कर रहा है। महासागर में भी आप जाएंगे तो कोई सी बॉटम में मिलेगा, कोई सरफेस पर मिलेगा, कोई बर्फीले क्षेत्र में पाया जा रहा है तो कोई दलदली क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जो आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, आपका जैव विविधता है, ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ये आता है कि जैव विविधता को हमको संरक्षित क्यों करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल, वो अपने इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मतलब एक सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि कभी आप इंटरव्यू में चले जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये आपका टाइगर है लायन है, ये सब हिंसक पशु हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लायन प्रोजेक्ट चला रही है, टाइगर प्रोजेक्ट चला रही है। अपन ये देख रहे हैं कि एलिफेंट है, एलिफेंट क्या कर रहा है कि घरों में घुस करके लोगों को मार दे रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भले ही ये हिंसक पशु हैं, मानव को जनमाल की हानि पहुंचाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, अपने इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और कोई भी प्लांट या एनिमल जिस इकोसिस्टम में रह रहा है, यदि वहां से वो विलुप्त हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम का स्थायित्व निर्भर करता है उसकी बायोडायवर्सिटी पर निर्भर करता है। मतलब जिस इकोसिस्टम में जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, वो इकोसिस्टम उतना स्थायी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बायोडायवर्सिटी की हम बात करते हैं तो यहां पर आप ध्यान देना कि जो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है, ये मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां पर पाई जाती है, तो आप ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है आपका ये ग्लोब है, ये ठीक है। इस ग्लोब में ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर भूमध्य रेखा, इधर ऊपर अपन आते हैं 23.5 आपका क्या होगा, ये कैंसर लाइन कर्क रेखा हो गई। इधर साउथ में अपन आते हैं सेम वही आपका 23.5, ये क्या हो गया, कैप्रिकॉर्न मकर रेखा हो गई। जो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी पाई जा रही है, आपको मालूम है ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और यहीं पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है
कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं बायोडायवर्सिटी में कमी आते जाती है, मतलब अधिकतम डायवर्सिटी कहां पर है, भूमध्य रेखा के आसपास, या फिर आपका क्या है ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिकल रीजन दिखाई दे रहा है, यही पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्यों यहां पर इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है कौन सा एरिया है आपका, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है। कौन सा एरिया है आपका, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन। और आपको मालूम होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन, तो भाई वर्षा वाले वन या घास के मैदान के विकास के लिए क्या चाहिए अपने को, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो आपको मालूम है कि भाई भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, तो यहां पर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है इससे क्या है, हैवी रेनफॉल, तीव्र वर्षा हो रही यहां पर, और हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल के कारण ये जो पूरा एरिया है ये डेवलप हुआ है क्या, यहां पर आपका ट्रॉपिकल ग्रास लैंड या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यहां पर बायोडायवर्सिटी के विकास के लिए हमको दो चीज चाहिए। जनरली आप देखते हैं ना कि भाई बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम क्यों होगी, तो भाई क्या है, शेल्टर चाहिए, हैबिटेट चाहिए। क्या चाहिए यहां पर लोगों को, हैबिटेट, एक आवास चाहिए। क्या चाहिए यहां पर, ये हो गया आपका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है आपका, ये आवास। भाई नॉर्मल अपन देखते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन का सबसे मेन रीजन क्या है, या जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है, तो हम क्या पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यही अपन पढ़ते हैं ना। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बायोडायवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन या जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन में क्या मिलता है आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। बोलने का मतलब यह है कि नेचुरल हैबिटेट यदि सफिशियंट है तो वहां पे बायोडायवर्सिटी भी मैक्सिमम पाई जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी क्यों मिल रही है। तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी क्यों मिल रही है, क्योंकि यहां पर नेचुरल हैबिटेट है भाई, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो जो प्लांट और एनिमल हैं उनको एक प्राकृतिक आवास यहां पर उपलब्ध हो रहा है। जो एनिमल हैं ग्रासलैंड होने के कारण उनको ग्रेजिंग या चरने के लिए सफिशियंट फूड मटेरियल की यहां पर प्राप्ति हो रही है। तो ये मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट आपको हुआ पूरा अच्छे तरीके से क्लियर। तो अब अपने को एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक स्थायी प्रकार का इकोसिस्टम कौन सा होता है, हम आंसर क्या देते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, महासागरी तंत्र। तो महासागरी तंत्र के स्थायित्व का कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बायोडायवर्सिटी, वहां पर भी सफिशियंट बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इससे सर्वाधिक स्थायी प्रकार का इकोसिस्टम कौन सा है, आंसर आप क्या देंगे, ओशियन इकोसिस्टम। एक छोटी सी स्टोरी आप देखिए इसको समझने के लिए, एक स्टोरी है रैबिट प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की समस्या। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार किसी इपिडेमिक डिसीज, जैसे आज अपन देख रहे हैं भाई कोरोना, तो सेम वैसे ही समझ जाइए कि आज से 250 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण मेनली जो कार्निवोर्स या जो मांसाहारी जंतु थे उनकी मृत्यु होने लग गई। तो जब मांसाहारी जंतु की मृत्यु हो गई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रैबिट क्या है, हर्बीवोर, शाकाहारी, तो रैबिट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई फैक्टर वहां पर नहीं रह गया। स्थिति क्या हुई कि रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ते चले गई और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई कि रैबिट खेत खलिहान में घुसना शुरू कर दिए, लोगों के घर में बाड़ी वगैरह में घुसना शुरू कर दिए और फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो वहां पर क्या हुआ कि कार्निवोर या मांसाहारी जंतु की मृत्यु होने के कारण इकोसिस्टम अनबैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी उतना ज्यादा वो इकोसिस्टम क्या होगा आपका, स्थायी होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टोरी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था आपका, ये जैसे हो गया क्या आपका, रैबिट। इस रैबिट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई पर्टिकुलर आपका कार्निवोर था वहां पर, आया समझ में। अब ये कार्निवोर की क्या हो गई, यहां पर डेथ हो गई बीमारी के कारण।
यदि और कोई दूसरा कार्निवोर्स होता, यदि यहां पर और भी कोई कार्निवोर्स होते तो ये इसकी पॉपुलेशन को क्या है कंट्रोल कर लेते, ये इसको क्या कर लेता कंट्रोल कर लेता, लेकिन कार्निवोर्स की वहां पर डाइवर्सिटी नहीं थी, तो इसकी डाइवर्सिटी नहीं हो पाने के कारण फाइनली किसी एक की मृत्यु होने के कारण इसकी रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअस बढ़ते चले गई। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी का किसी इकोसिस्टम के स्थायित्व तो प्रदान करने में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने देखा। अब आप ये देखते हैं कि भाई मैक्सिमम जो बायोडायवर्सिटी कहां पर पाई जाती है, तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आप पढ़ते हैं ना कि अफ्रीका वगैरह का जो क्षेत्र है, अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है, या अमेरिका में ब्राजील वगैरह है, ये मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी वाले एरिया है। तो क्यों ऐसी स्थिति आ रही है, ये सिंपल तरीके से आप देखिए कि भाई अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों लाइन यहां पर क्रॉस करती है। भाई अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें आपका क्या है कि ये कैंसर लाइन, ये इक्वेटर, ये आपका कैप्रिकॉर्न तीनों क्रॉस कर रही है। मतलब इसका अधिकांश जो एरिया है, ये एरिया कहां पे कवर हो रहा है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इससे यहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। हम बात करते हैं किसकी, आपका ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील की लोकेशन देखेंगे क्या मिलेगा आपको, ये भैया आपका ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या हो गया आपका ये साउथ अमेरिका हो गया। तो साउथ अमेरिका भाई आपका जो ब्राजील वाला एरिया है, ब्राजील कहां पर आपका साउथ अमेरिका के मतलब उसमें कवर कर रहा है। तो इसमें भी अधिकांश आप एरिया देखेंगे कहां पर आ रहा है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, इससे यहां पर आपका डायवर्सिटी पाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है जो भारत है, भारत में भी पर्याप्त मात्रा में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ये भारत की लोकेशन है, भारत के बीच से पास हो रही है कि आपका यहां पर कैंसर लाइन पास हो रही है आयतन में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो जैव विविधता का कारण है वो क्या है आपका स्पेसिफिक जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति, भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति क्या है, नॉर्थ में क्या है आपका हिमालय बर्फीला क्षेत्र है। इधर यदि आपका चले जाते हैं कहां पर, नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हैं, ये आपका थार डेजर्ट है। इधर आपका चले जाते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा है, मर्सी प्लेस दलदली क्षेत्र। इधर आप आ रहे हैं ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर हो गया, ये आप क्या हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, मतलब ये पूरा आपका समुद्री क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि भारत की जो विशेष भौगोलिक स्थिति है उसके कारण से अपने को यहां पर जैव विविधता दिखाई देती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में 10वें स्थान पर है। आयतन में एक ही जनरल आइडिया था कि आपका जैव विविधता है क्या, जैव विविधता इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और इसी के बेस पर नेक्स्ट जो क्लास अपन लेंगे उसमें आपको बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, ये संरक्षण क्यों आवश्यक है, या ये जो जैव विविधता है ये जैव विविधता का कारण क्या है। तो जैव विविधता का कारण अपने को पढ़ने को मिलेगा कि जीन्स के कारण हो सकता है, पर्यावरण के कारण ये वेरिएशन आ सकता है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि जैव विविधता संरक्षण क्या होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।